हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी प्रदोष व्रत के बारे में। तो प्रदोष व्रत किस दिन रखना है आपको? 13 तारीख को, यानी कि 13 मई को, या फिर 14 मई को। प्रदोष की पूजा विधि क्या है? प्रदोष काल पूजा का शुभ समय क्या है? और सबसे बड़ी जो समस्या लोगों का है कि दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा घेर रखा है, तो ये प्रदोष विशेष है। दोस्तों, वैशाख मास का प्रदोष वैसे ही विशेष होता है, लेकिन इस प्रदोष में कुछ और विशेषताएं हैं जो कि आपको आगे इस वीडियो में पता चलेंगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे शिवलिंग पे अर्पित करते ही मात्र आपका दुर्भाग्य कटना प्रारंभ हो जाता है? तो चाहे ग्रहों की वजह से हो, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हो, जो भी समस्या हो, बस कटना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। और इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरा नंबर है जिससे आप कोई भी ज्योतिषीय सलाह लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि प्रदोष। देखिए, प्रदोष जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, जो दोषों का समन करने वाला है उसे प्रदोष कहते हैं। शास्त्रों में प्रदोष की महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है। विशेष शिव पुराण की बात मैं करूं तो उसमें बताई गई है कि शिव जी के जो बड़े व्रत हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत प्रदोष का माना जाता है। प्रदोष मास में 2 बार आता है, और प्रदोष के व्रती को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन जो है वह भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, ना करें, कम करें। लेकिन जब आप प्रदोष का व्रत धारण किए हैं, उस समय भगवान भोलेनाथ का किसी ही मंत्र का जाप करना चाहिए। देखिए, मंत्र जाप करने से होता यह है कि आपके जीवन में शुभता बढ़ती है। शुभता का मतलब कि खुशियाँ आती हैं, सौभाग्य जागृत होता है। तो प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें, और नहीं करते हैं, आप बिना व्रत रखे भी इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो भी आप मंत्र जप वगैरह जो साधारण इत्यादि करते हैं वो कर सकते हैं। सारे नियम आप कर सकते हैं। व्रत रखना जो है बहुत पुण्यदायी काम है, लेकिन किसी भी कारण से यदि व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात मैं कर रही थी कि यदि व्रत रखते हैं आप, तो सुबह के समय अपना साधारण घर में पूजा पाठ कर लीजिए। प्रदोष काल में जो है महादेव की विशेष पूजा आराधना का नियम बताया गया है। प्रदोष काल में ही प्रदोष की पूजा होती है। वैसे किसी भी कारण से व्यवस्था है, जैसे कि कुछ भाई बहन बताते हैं कि हमारे यहाँ प्रदोष काल में मंदिर में पंडित जी पूजन नहीं करने देते हैं, जल नहीं चढ़ाने देते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, एक बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा और आप एक दीपक जला करके वहाँ से पैर छूकर दर्शन करके चले आइएगा। इतना भी जो है आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काफ़ी है। और ये उपाय आप चाहें तो कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। वैसे ये उपाय करने के लिए आपको शिवलिंग होना ही होना चाहिए। तो ऐसा आप ध्यान रखें कि ये उपाय करते समय शिवलिंग आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, विशेष शिव पुराण की ही बात मैं कर रही हूँ, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मूर्ति पूजा से ज़्यादा लिंग पूजा का महत्व हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो जो मूर्ति पूजा होती है वो बहुत कम प्रभाव देती है, कम फल देती है, लेकिन लिंग पूजा, शिवलिंग की पूजा बहुत ज़्यादा प्रभाव देती है। इसलिए शिवलिंग होना चाहिए आपको ये सारे उपाय करने के लिए। चाहे तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, पुनः फिर उसका विसर्जन कर सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। सारे उपाय मैंने आपको बताया। किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही कर लें, लेकिन बस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रदोष बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बता दूं आपको कि ये प्रदोष जो है वो 13 तारीख के, यानी कि 13 तारीख, 13 मई शुक्रवार को पड़ेगा। शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ता है, इस प्रदोष से आप चाहें तो प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि वैशाख मास वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और पुनीत मास कहा जाता है, इस मास से चाहें तो आप प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब शुक्र प्रदोष व्रत आप शुरू क्यों करेंगे ये जान लीजिए। देखिए, जीवन में यदि आपकी खुशियाँ कम है, मतलब एक चीज़ आपको बता दूं कि चारों तरफ से सुख सौभाग्य यदि चाहिए तो शुक्रवार का प्रदोष आप धारण कर लीजिए। शुक्रवार का प्रदोष जो है सुख सौभाग्य में वृद्धि कराता है, शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। अब शुक्र ग्रह मजबूत होने से आपकी जो संपूर्ण इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। क्या इच्छा है? जैसे कि आप लग्जरी जीवन चाहते हैं, गाड़ी बंगला, मतलब जीवन में बहुत सारा पैसा, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो शुक्र प्रदोष वो सब आपको देगा, तो आप इसे धारण कर सकते हैं। तो जो भी लोग पहली बार प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो कल का दिन बहुत विशेष है, आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं।
अब चलिए आते हैं पूजा विधि। तो देखिए पूजा विधि शाम को आपको कब से करनी है, तो आपको 6:35 से आपको ये पूजा प्रारंभ करके और रात 8:45 तक आप ये पूजा कर सकते हैं। ये है प्रदोष काल की पूजा का शुभ समय। तो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ दोस्तों देखिए, शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ता है उस दिन शिवपुराण में वर्णित है कि सफ़ेद चीज़ों को शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन से बाधाएँ दूर होती हैं, दुर्भाग्य व्यक्ति का स्वतः ही कटना प्रारंभ हो जाता है। तो चीज़ें कौन सी है, देखिए चीनी सबसे पहली चीज़ है, चीनी चीनी शिवलिंग पे आपको कैसे अर्पित करनी है ये जान लीजिए, विशेष तरीके से आज आपको अर्पित करनी है। आज चीनी की चीनी की जो है आपको उंजली में, अपने उंजली आप जानते हैं दोनों हाथों को ले लीजिए और एक जितने आ सके उतनी चीनी शिवलिंग पे समर्पित कीजिए और आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अपना जो भी कष्ट है तकलीफ है वो कहते हुए इस विधि से आज शिवलिंग पे चीनी अर्पित करें। आप समझ गए होंगे जिसको उंजली बोलते हैं, जैसे कि दोनों हाथों की हथेलियों को चिपका लीजिए और जितना उसमें चीनी आ सके उतना चढ़ा दीजिए। तो ऐसा आज आप बच्चों से भी करा सकते हैं, ये उपाय बच्चे करते हैं तो उनके चंचल स्वभाव में कमी आती है, विद्या बुद्धि बढ़ती है, तो ये आप उनसे भी करा सकते हैं, बड़े हैं तो आप जरूर कीजिए। अब बारी आती है अगले उपाय की। तो दोस्तों आज के दिन दही से विशेष अभिषेक का महत्व बताया गया है। दही से अभिषेक करने से शुक्र मजबूत होते हैं, शुक्र के मजबूत होने से आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं, प्रेम बढ़ता है, बहुत सारे लाभ हैं। तो आप आज के दिन दही किसी भी स्थिति में जरूर चढ़ाइए। आंकड़े का पुष्प, दोस्तों कहा गया है कि आंकड़े का पुष्प यानी कि मंदार का पुष्प बहुत ज़्यादा भोलेनाथ को प्रिय है, जैसे धतूरा जैसे बेलपत्र। तो आप ऐसा कोई साधारण सा एक पुष्प चढ़ाते हैं और एक ही आंकड़े का चढ़ाते हैं तो समझिए कि आपको हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और आज शुक्र प्रदोष है, जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज के दिन सफ़ेद आंकड़े के पुष्पों की आप माला बना लीजिए, खुद से बन जाएगी ये माला। तो बड़ी आसानी से आप इस माला को बनाइए और मन में कामना करते हुए कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हैं और आप उनको ये माला समर्पित करें। तो ऐसा करने से दोस्तों सिर्फ एक माला समर्पित करने से जीवन के कांटे दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में सौभाग्य जागृत होता है। देखिए ये उपाय आप अन्य किसी दिन कहते तो मैं दावा करते तो मैं दावा नहीं करते, लेकिन शुक्रवार है और उसमें प्रदोष है, प्रदोष काल का समय है, तो निश्चित रूप से तुरंत से ही आपका दुर्भाग्य कटना प्रारंभ हो जाता है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है। देखिए त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मई को दिन शुक्रवार को शाम 5:27 पर और इस तिथि का समापन अगले दिन 14 मई शनिवार को दोपहर 3:22 पर होगा। इसलिए जो है प्रदोष काल की पूजा जो है शाम में की जाती है, इसलिए ये प्रदोष 13 तारीख को रखा जाएगा। तो अब आपकी जो दुविधा होगी वो दूर हो गई है कि 13 मई या 14 मई को कब प्रदोष रखना है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज़ बताऊंगी दोस्तों, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद चंदन अर्पित करने से एक तो मन में जो है शीतलता आती है और जैसा कि मैं बताती जा रही हूँ कि ये शुक्र प्रदोष सुख सौभाग्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है, तो सफ़ेद चंदन से लेप कीजिए और मन में यदि कोई कामना है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे मैं बताती जा रही हूँ तो सफ़ेद चंदन भगवान भोलेनाथ को चढ़ा करके थोड़ा सा जो जलाधारी पर गिरा हुआ चंदन है, इस उपाय को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, नोट कीजिए इस उपाय को कि आपको कैसे करना है, क्योंकि इसमें आप भूल जाएंगे, गलत तरीके से कर देंगे। जब आप चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा चढ़ा दीजिए और जो जलाधारी पे गिरा हुआ चंदन होता है उस चंदन को लेकर के अपने मस्तक पर लगा लीजिए या फिर चाहें तो उस चंदन को आप किसी डिब्बे वगैरह में भर करके थोड़ा सा ज़्यादा रख लीजिए जब आप परीक्षा वगैरह देने जाते हैं या फिर जब आपको लगता है कि कहीं आपको ऐसे जगह जाने की आवश्यकता है जहाँ पे आपकी बात ही मानी जाए, जहाँ पे आपकी बात को काटा ना जाए, तो फिर चंदन ये वहाँ भी आप अपने मस्तक पे प्रयोग कर जा सकते हैं। तो महा उपाय है, इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा, मेरा अर्थ आप समझ गए होंगे, ये वशीकरण टाइप का आपका चंदन बन जाएगा, तो इस उपाय को आप अवश्य कर लीजिएगा। अगली चीज़ है गंगा जल, गंगा जल को चढ़ाने से देखिए गंगा को भोलेनाथ को सबसे प्रिय गंगा धारा है, तो गंगा धारा चढ़ाने में आपको बस साधारण सा जल के साथ चढ़ा सकते हैं, सिर्फ गंगा जल चढ़ा सकते हैं एक लोटा, तो ये बहुत विशेष है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने माता गंगा को अपने सिर में अपने माथे पे स्थान दिया और कहा जाता है कि जो भी भक्त गंगा जल से उनका अभिषेक करता है उसको इस जन्म में तो छोड़िए अगले जन्म में भी हर तरह से तृप्त और संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसा आप ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये तो आप जरूर बताइएगा और अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।